हेलो व्यूअर्स, टैली के इस लेक्चर में, इस क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सैंड्री क्रेडिटर एंड सैंड्री डेटर्स, कि किस तरह हम टैली के टैली अकाउंट्स अफेयर में किसी भी कंपनी में क्रेडिटर्स को ऐड करना चाहते हैं या डेटर्स को ऐड करना चाहें तो हम किस तरह करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट देते हैं कि किस तरह हम क्रेडिटर एंड डेटर को टैली सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज मीन बाय सन्ड्री क्रेडिटर एंड सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सीख लें, सन्ड्री डेटर्स आर सच अ स्मॉल एंटिटीज दैट ओ द कंपनी मनी। इसको हम कहते हैं सन्ड्री डेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अ पर्सन ऑन अ क्रेडिट, दैट पर्सन पे द प्राइस इन फ्यूचर्स, ही इज कॉल्ड डेटर बिकॉज ही ओ द अमाउंट टू द फर्म। Commonly customer of goods or services are known as debtors. ठीक है, तो इसको हम debtor कहते हैं। What is mean by creditors या sundry creditors, इसको हम कहते हैं। Sundry creditors are such small entities that the company owes money to. It means that a person to whom the firm owes money is called a creditors. When a goods are purchased on credit from supplier, commonly supplier of goods or services are known as a creditors. ठीक है, तो अब आपको सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर की समझ आई होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट लेते हैं टैली अकाउंट्स अफेयर में किस तरह हम सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स हम ऐड कर सकते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कहां से ऐड करेंगे, इसके लिए आपके सामने टैली अकाउंट्स अफेयर ओपन है। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली आप यहां से देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन मास्टर्स है। मास्टर्स में दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, अकाउंट्स इन्फो एंड इन्वेंट्री इन्फो। तो अकाउंट इन्फो से आप क्रेडिटर और सेंडेड डेटर्स आप ऐड कर सकते हैं। किस तरह हम ऐड करेंगे, यहाँ पर अकाउंट इन्फो पर आप डबल क्लिक कर लें। जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से लेजर पर आप आएंगे। लेजर में आप दो तरीक़ों से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर। ठीक है, तो यहाँ से मैं मोर देन वन क्रेडिटर ऐड करना चाहता हूँ या मोर देन वन डेटर्स में ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप मल्टीपल लेजर से इसको क्रिएट करेंगे। अगर आप सिंगल लेजर क्रिएट करना चाहें, फॉर एग्जांपल एक ही क्रेडिटर आप ऐड करना चाहें या एक ही डेटर आप ऐड करना चाहें, तो यहां से सिंगल लेजर से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर पहले इसको आप डिस्प्ले कर ले, आप देख ले कि आया हमने क्रेडिटर या डेटर ऐड किया हुआ है, तो यहाँ से आप देख ले डिस्प्ले से। डिस्प्ले में अगर आप देख ले तो आपके पास सिर्फ ओनली 3 अकाउंट्स अवेलेबल है, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 3 अकाउंट्स आपके पास अवेलेबल है, इसके अलावा क्रेडिटर एंड डेटर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इस तरह करता हूँ, मल्टीपल लेजर से मैं मोर देन वन क्रेडिटर को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पर आप डबल क्लिक कर लें। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है अंडर ग्रुप, कौन सा ग्रुप में आप मोर देन वन लेजर क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो राइट साइड पर अगर आप देखें लिस्ट ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें आपको शो हो रहे हैं ऑल आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब आप कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे तो एस वाले जितने भी अकाउंट्स हैं वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। सेल्स अकाउंट्स, सिक्योर्ड लोन्स, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो ये आपके सामने शो होंगे। अभी मैं क्रेडिटर्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप सन्ड्री क्रेडिटर्स पर आप क्लिक कर ले, डबल क्लिक कर ले। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो इस ग्रुप में आप मोर देन वन क्रेडिटर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वन बाय वन लेजर क्रिएट करता हूँ क्रेडिटर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं क्रेडिटर को ऐड करना चाहूँगा ग्लोबल मोबाइल जोन। ठीक है, अगर आप इसको मीनिंगफुल बनाना चाहें तो अब आप इस तरह कर ले कि इस नेम से पहले आप यहाँ पर सीआर लिख ले, सॉरी सीआर मीन क्रेडिटर्स। ठीक है, ये थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एंटर की आपने प्रेस करना है, यहाँ पर अंडर ग्रुप आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगर इसके ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ से आप टाइप कर ले, अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ दें। फिर इसके बाद सीआर अंडरस्कोर दूसरा क्रेडिटर आप ऐड कर ले, फॉर एग्जांपल फ्रेंड मोबाइल जोन। ठीक है, ये भी क्रेडिटर है। ठीक है, इसके अलावा सीआर अंडरस्कोर पार्क मोबाइल जोन। ठीक है, तो ये भी क्रिएटर क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर आप मोर देन वन क्रिएट करना चाहें तो आप क्रिएट कर ले, बस मैंने ये 3 क्रिएट किए। इसके बाद आप एंटर की प्रेस कर ले, जब आप एंटर की प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज आएगा, एक विंडो ओपन होगी, एक्सेप्ट
ये स्पार एक्सेप्ट, ये मीन्स कि ये सेव हो जाएंगे, ये जो क्रेडिटर जो आपने अभी क्रिएट किए ये सेव हो जाएंगे। अगर आपने नो प्रेस किया तो ये ट्रांजेक्शन वगैरह या फॉर एग्जाम्पल जो टास्क हम परफॉर्म करते ये सेव नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरह कर लें, येस पर आप क्लिक कर लें। जब आप येस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिस्प्ले पर आप आ जाए, डिस्प्ले में अगर आप सॉरी देख कर ले, डिस्प्ले पर आप आ जाए सिंगल लेजर में। अब आप देख सकते हैं सीआर तीन क्रिएटर आपने अभी ऐड किए हैं जो आपको लिस्ट ऑफ लेजर में डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एडिटर को ऐड करना चाहूंगा तो वो किस तरह करूंगा, एस्केप बटन आप कीबोर्ड से प्रेस कर ले। अगर आप मोर देन वन लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्रिएट पर डबल क्लिक कर ले, मल्टीपल लेजर के जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप सिंगल लेजर क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से आप क्रिएट पर क्लिक कर ले। मैं मोर देन वन लेजर क्रिएट करना चाहूंगा पर सैंडिडेटर्स, ठीक है। तो कीबोर्ड से आप एस प्रेस कर ले और यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से सैंडिडेटर्स आप सेलेक्ट कर ले। जब ये सेलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से आप वन बाय वन आप सैंडिडेटर्स आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से डेटर्स को ऐड करना चाहूंगा, और अगर इसको आप मीनिंगफुल बनाना चाहें तो इस तरह करें, डी आर यहाँ से आप लिख लें, ठीक है। फिर अंडरस्कोर असद मोबाइल जोन, तो इससे ये क्लियर होगा। आप अगर इसके लेजर देखना चाहें, अगर आप डेटर्स के लेजर देखना चाहें तो इस नेम से आपको आसानी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपने एक दूसरा डेटर्स आपने ऐड करना होगा, फॉर एग्जाम्पल ये थ्री डेटर्स मैंने ऐड किए, ठीक है। फिर इसके बाद आप एंटर की प्रेस कर ले और यहाँ से ये ऑप्शन पर आप डबल क्लिक कर ले, ठीक है। और आप इस तरह कर ले कि लेजर पर आप आ जाए, डिस्प्ले पर आप क्लिक कर ले, तो यहाँ से डी आर आप देख सकते हैं, ठीक है। देयर आर टू डी आर्स, ठीक है। ये भी डी आर है लेकिन इसको अगर आप अल्टर करना चाहें, चेंज करना चाहें तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। किस तरह आप चेंज करेंगे, अगर किसी लेजर को अगर आप चेंज करना चाहें किस तरह चेंज करेंगे, यहाँ पर सिंगल लेजर में भी अल्टर ऑप्शन अवेलेबल है, मल्टीपल लेजर में भी अल्टर ऑप्शन अवेलेबल है। अल्टर मीन्स टू ब्रिंग चेंजेस इन द लेजर, ठीक है। यहाँ से आप डबल क्लिक कर लें और जवाब मोबाइल जोन पर आप डबल क्लिक कर लें। फिर इसके बाद आप यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ से क्लिक कर लें। फिर यहाँ से आपने डी आर टाइप करना होगा, एंटर की आप प्रेस कर लें। फिर इसके बाद अगेन एंटर की आप प्रेस कर लें, ठीक है। यहाँ से आप डेटर्स या क्रेडिटर्स या लेजर को आप अल्टर कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा क्लास कि किस तरह हम सैंडी क्रेडिटर्स या सैंडी डेटर्स हम किसी भी अकाउंट कंपनी में, मतलब टेली अकाउंट कंपनी में हम क्रिएट करना चाहें तो हम इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए यही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट जितने भी अकाउंट्स हैं वो हम क्रिएट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।